हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी लड़कों की इन हरकतों की वजह से लड़की उनसे दूर भागती है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, क्योंकि दोस्तों देखो, जहाँ पर बात करें अच्छी हरकतों की, तो जिस तरह से लड़कियाँ जो हैं लड़कों की कुछ अच्छी हरकतों को पसंद करती हैं, ठीक इसी तरह से लड़कों में कुछ ऐसी हरकतें भी होती हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि लड़की उस लड़के को पसंद नहीं करती, उनसे दूर भागना ही पसंद करती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ, वो कौन सी हरकतें हैं जिससे आप कभी भी किसी लड़की को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो हरकत है वह है लड़की के सामने बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाना। जी हाँ दोस्तों, देखो हल्का फुल्का एटीट्यूड हर इंसान के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और आजकल के टाइम में चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, हर किसी में थोड़ा बहुत एटीट्यूड तो होता ही है और ये चीज़ एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आप लड़की के सामने बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हो, बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हो, घमंड में रहते हो, तो ये चीज़ कभी भी किसी लड़की को अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि लड़कियों का नेचर ऐसा होता है कि वो अपनी सोच से हमेशा ये सोचती हैं कि वो हमेशा, चाहे वो एटीट्यूड के बेसिस पे हो या फिर अपनी बातों के बेसिस पे हो या फिर किसी भी चीज़ के बेसिस पे हो, वो हमेशा लड़के से ऊपर दिखना पसंद करती है। उन्हें ये नहीं अच्छा लगता कि कोई लड़का उन्हें नीचा दिखाए, ठीक है, या वो लड़के से नीचे दिखें। तो वहीं पर अगर कोई लड़का उनके सामने बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है, तो ये चीज़ कभी भी किसी लड़की को पसंद नहीं आती है। और इसी हरकत की वजह से लड़की उस लड़के से दूर रहना ही पसंद करती है। दूसरी जो हरकत है वह है अपने लुक्स पर ध्यान ना देना। जी हाँ दोस्तों, देखो ये मोस्टली लड़कों की प्रॉब्लम होती है कि लाइक जैसे कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसे दिख रहे हैं, उनका लुक कैसा लग रहा है, उनका ड्रेसअप कैसा है। वो उनकी थिंकिंग ऐसी होती है कि अगर कोई लड़की उन्हें पसंद करेगी तो वो जैसे हैं, जैसे रहते हैं, वैसे ही पसंद करे, ठीक है। तो इस सोच की वजह से क्या होता है कि लड़की उन्हें पसंद नहीं करती है, क्योंकि आजकल के टाइम में जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। अगर आप अच्छे दिखोगे, अपनी पर्सनालिटी अच्छा बनाओगे, अच्छी बनाओगे, तो ही आप लड़की का ध्यान अपनी तरफ खींच पाओगे। और कुछ लड़कों की ऐसी हरकत की वजह से जो अपने लुक्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, अपने आप को मेंटेन नहीं करते हैं, ऐसे लड़के लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। ऐसे लड़कों से लड़कियाँ हमेशा दूर भागती हैं। अगली जो हरकत है वह है लड़की को इरिटेट करना। जी हाँ दोस्तों, देखो अगर आपकी क्रश है या आप रिलेशनशिप में हो, तो बेशक आप अपना प्यार दिखाने के लिए, अपनी केयर दिखाने के लिए उन्हें बार बार कॉल या मैसेज करते हो, ठीक है, या फिर अपना एक तरह से उन्हें अपनी सब पर्सनल सपोर्ट देने के लिए उन्हें उनके लिए अवेलेबल रहते हो, ठीक है, तो ये चीज़ लड़की को एक हद तक अच्छी लगती है। एक लिमिट तक उन्हें ये चीज़ आपकी तरफ से अच्छी लगती है कि आप उन्हें उनकी केयर करते हो या उन्हें प्यार दिखाते हो। लेकिन वहीं अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगें आपकी तरफ से, ये चीज़ें उसके लिए एक तरह से बार बार आपका कॉल या मैसेज कर देना, वो आपको रिप्लाई नहीं कर रही है लेकिन उसके बावजूद भी आपको आपका लगातार उसको कॉल करना, ये हरकत जो है आपकी लड़की को काफ़ी ज़्यादा इरीटेट करती है, ठीक है। और एक टाइम के बाद क्या होता है कि लड़की को आपकी ये हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, वो आपसे धीरे धीरे गैप को मेंटेन करना स्टार्ट करने लगती हैं। क्योंकि लड़कियों का नेचर ऐसा होता है कि वो चाहे अपने पार्टनर से कितना भी प्यार क्यों ना करती हो, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा पर्सनल स्पेस अपने लिए चाहती हैं कि उनका पार्टनर उन्हें थोड़ा सा गैप दे, ठीक है, क्योंकि वो अपनी इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, उनके अंदर पेशेंस की कोई भी कमी नहीं होती है। और यही चीज़ जो है लड़के की तरफ से नहीं होती है, लड़के जो अपने पेशेंस को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और क्या है कि वो बार बार कॉल करना, मैसेज करना स्टार्ट करने लगते हैं, और इसी वजह से जो है उनकी पार्टनर या लड़की जो है उनसे दूर रहना पसंद करने लगती हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।